हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में, शुक्रवार उपवास प्रार्थना में। एक बार फिर से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हालेलुया। और एक बार फिर आज नए गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपने यहोवा पिता की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि वो योग्य है, हालेलुया। नए नए गीतों के, आराधना के, हालेलुया, स्तुति के वो योग्य है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज इस नए गीत को गाने से पहले जिस वचन पर ये नया गीत आधारित है, उस वचन को आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसका एक अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका एक अध्याय और उसके 7 पद को परमेश्वर के वचन में से इस समय हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद इस नए गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर की सामर्थ्य एक बार फिर से आप सभी को टच करने जा रही है। आज एक बार फिर परमेश्वर की भारी उपस्थिति को आप अनुभव करने जा रहे हैं। आज एक बार फिर उसके अभिषेक और उसकी सामर्थ्य से आप लोग भरने जा रहे हैं। आज एक बार फिर हालेलुया उसका अभिषेक आपके ऊपर, हम सब के ऊपर उतरने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए बड़ी और अद्भुत गवाहियां तैयार होने जा रही हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य दिखाने में खुश होने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो अपना जलाल दिखाता है, वो सामर्थी है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम नए गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका एक अध्याय और उसका 7 पद, दूसरा तिमोथी उसका एक अध्याय उसका 7 पद यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है, वो आत्मा किसका है? सामर्थ का, हालेलुया। किसका आत्मा है? सामर्थ का। सब लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, किसका आत्मा है? सामर्थ का। जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, लिखा है, वो डर का आत्मा नहीं है, हालेलुया। वो डर का आत्मा नहीं है, हालेलुया। वो डर का आत्मा नहीं है, बल्कि वो किसका आत्मा है? वो सामर्थ का आत्मा है। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रेम का आत्मा है। सब लोग कमेंट करेंगे, प्रेम का, हालेलुया। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, और वो आत्मा है संयम का आत्मा। किसका आत्मा? संयम का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए ध्यान से सुनेंगे इस वचन पर आधारित एक नए गीत को गाकर आज हम प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। इस वचन पर आधारित एक नए गीत को, हम रिकॉर्ड को टूटने नहीं देंगे, हम तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बने हैं, हालेलुया। हम तो रिकॉर्ड बनाने के लिए बने हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और नए गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। जो गीत इस वचन पर आधारित है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें बदलता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी स्वभाव में, उस सामर्थी चरित्र में, उस सामर्थी कैरेक्टर में, उस सामर्थ में, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्रता में, ओ परमेश्वर की सिद्धता में पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें बदलता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम बदलते जाते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम यीशु मसीह के सामर्थी तेजस्वी स्वभाव में, चरित्र में बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा का काम हमें बदलने का,
जो कुछ होगा वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। लिखा है ना बल से ना शक्ति से लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया हालेलुया। नए नए गीत, वचन के नए नए प्रकाशन, नई नई जगह, नई नई आत्माएं। हालेलुया। ओ बड़े बड़े काम। हालेलुया। ओ अंधे देखेंगे और बहरे सुनेंगे और लंगड़े चलेंगे और मुर्दे जीवित होंगे और आत्माएं बचाई जाएंगी और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। और वो सब कैसे होगा? वो सब होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो सब होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो सब होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। वो सब कुछ होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। वो होगा उस आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो होगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इंग्लिश में लिखा है God has not given us the spirit of fear. Amen. God has not given us the spirit of fear, but God has given us the spirit, a spirit of power. Bolo power. Bolo power. Comment karo. Bolo power, 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 power in the name of Jesus. Hallelujah. बोलो पावर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो पावर का आत्मा दिया है, द स्पिरिट ऑफ पावर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। दूसरा तिमुथी 1:7 को अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर ने हमें पावर का स्पिरिट दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमें हालेलुया सामर्थ का आत्मा दिया है, पावर। गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर। हालेलुया। और दूसरा लिखा है गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव। बोलो लव। हालेलुया। सब बोलेंगे लव। हालेलुया। गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव। हालेलुया। God has given us the spirit of power. God has given us the spirit of love. Hallelujah. Hallelujah. उस सामर्थ के आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम होंगे, उस सामर्थ के आत्मा के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। और वो जो प्रेम का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, जब वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा, हम वचन को पूरा करेंगे, हम आज्ञाओं को मानेंगे, हम वचन को पूरा करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, वचन पर चलेंगे, तो क्या होगा? आज्ञाओं को मानने से क्या होगा? हालेलुया हालेलुया। जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या होगा? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तो हम आशीष पाएंगे। आज्ञा को मानेंगे तो दीर्घायु से तृप्त होंगे। आज्ञा को मानेंगे तो हर एक बीमारी से बचे रहेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। आज्ञाओं को मानेंगे तो हर प्रकार की आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है सामर्थ का आत्मा, सामर्थ के कामों को करने के लिए। हालेलुया। वो प्रेम का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि वो प्रेम हमारे अंदर आए, ओ ताकि हम आज्ञाओं को माने और भरपूरी का जीवन बिताए, आशीषित जीवन बिताए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो सामर्थ का आत्मा दिया है। लिखा परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो आत्मा परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो प्रेम का आत्मा दिया है। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो संयम का आत्मा दिया है। और इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बोलो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं को अनुशासित करने के लिए, अपने आप को अनुशासित करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने दिनचर्या को अनुशासित करने के लिए, अपने सोचने को, अपने ख्यालों को, विचारों को, देखने को, सुनने को, बोलने को,
चलने को, बैठने को, उठने को, कार्य करने को, हालेलुया, जाने को, आने को, पढ़ने को, ओ हालेलुया, हर एक बात को अनुशासित करने के लिए। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ हो। हालेलुया, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे भाई आपके लिए, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरी बहन आपके लिए, ओ हालेलुया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है कि हम सामर्थ्य जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन आज्ञाओं को मानने वाला जीवन हो, ताकि हम आशीष पाएं, दीर्घायु से तृप्त हों। हालेलुया, ओ भरपूरी का जीवन बिताएं, चंगाई को पाएं। हालेलुया, भलाई को देखें, ओ हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। जब वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में भरा जाएगा, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए प्रभु ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। ओ हालेलुया, उसने हमें क्यों सामर्थ का आत्मा दिया, उसने हमें क्यों प्रेम का आत्मा दिया, उसने हमें क्यों सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा दिया, यानी हम संयम इंग्लिश में लिखा है, मूल भाषा में हम इसको समझेंगे, अपने आप को अनुशासित करने के लिए, अपने जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए, अपनी आंखों को अनुशासित करने के लिए, अपने होठों को अनुशासित करने के लिए, अपने कानों को अनुशासित करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, एक ऐसा जीवन बिताने के लिए जो हमारे परमेश्वर को भाता है, एक ऐसा जीवन बिताने के लिए जो हमारे परमेश्वर को भाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप अपने जीवन में मैरेकल्स को देखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में मैरेकल्स को देखना चाहते हैं? मुझे आपका कमेंट देखना है आज, और हाथ उठा के जोर से चिल्लाना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहना है, यस होली स्पिरिट, क्या आप अपने घर में मैरेकल्स देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं? मुझे आपका कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, 10 बार लिखो, यस 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 यस, लिखते जाओ यीशु मसीह के नाम से। क्या आप मिरेकल को देखना चाहते हो? क्या आप अद्भुत काम को देखना चाहते हो अपने जीवन में? हाँ या ना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे यहाँ दिल्ली में आपकी आवाज चाहिए। क्या आप अपने पति के जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घर में, अपनी कमाई में, अपनी रसोई में, क्या आप मिरेकल देखना चाहते हो? क्या आप मिरेकल देखना चाहते हो? क्या आप अद्भुत काम देखना चाहते हो? क्या परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हो? यस 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 यस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आर यू सीरियस अबाउट इट? मैंने कहा आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप वास्तव में गंभीर हो? हालेलुया, क्या वास्तव में गंभीर हो? क्या वास्तव में गंभीर हो? हालेलुया, होली स्पिरिट आज पूछ रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज पूछ रहे हैं, क्या तू गंभीर है? क्या तू गंभीर है आज? हालेलुया, क्या वास्तव में, हालेलुया, तू गंभीर है आज? हालेलुया, 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 क्या परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं? हालेलुया, तो याद रखें, परमेश्वर ने वो सामर्थ का आत्मा आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ का आत्मा दिया है, ओ हालेलुया, वो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज्ञाओं को मानना चाहते हैं? क्या आप ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने वाला जीवन है? 2 बार 3 बार यस लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा यस 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 यस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मनीष भाई हमारे साथ जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू, देखिए कितना कितना बढ़िया लिखा है, यस 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 यस। बहन रूपा कर्माकर हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से, हालेलुया। बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नया चाहिए चर्च, हालेलुया, कुछ बड़ा चाहिए इस बार आपसे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन है? हालेलुया। क्या आप आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप वचन को पूरा करना चाहते हैं? यस 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 यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य का आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया। और तीसरी बात मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा हम सबसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहता है? मेरे बेटे, क्या तू मेरे वचन के अनुसार एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहता है? मेरी बेटी, क्या तू वचन के अनुसार एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहती है? मेरे बच्चों, क्या तुम वचन के अनुसार एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहते हो? हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर बोलो हाँ पवित्र आत्मा, हालेलुया। यस होली स्पिरिट, 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 हाँ पवित्र आत्मा बोलो, हाँ पवित्र आत्मा, मैं एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहता हूं, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, मैं एक अनुशासित जीवन को बिताना चाहता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार ओ अपनी आंखों को अनुशासित करना चाहता हूं, अपने कानों को अनुशासित करना चाहता हूं, अपनी जुबान को, अपने होठों को, अपने मुंह को अनुशासित करना चाहता हूं, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने मन को मैं फिराना चाहता हूं, अपने मन को तेरे वचन के अनुसार मैं अनुशासित करना चाहता हूं पवित्र आत्मा, अपने उठने बैठने को, अपनी संगति को, अपने जाने को आने को, अपने खाने को पीने को, ओ अपने देखने को सोचने को, ओ हालेलुया, अपने बोलने को, पवित्र आत्मा मैं आपके वचन के अनुसार अनुशासित करना चाहता हूं, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट, आज कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। लिखा है परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए दिया है। सेल्फ डिसिप्लिन हम अपने आप से नहीं कर सकते, हम अपने आप से नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा। परमेश्वर ने कहा ओ तुम जो अनुशासित होगे मेरे आत्मा के द्वारा होगे, ओ हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सेल्फ डिसिप्लिन का स्पिरिट दिया है, वो हालेलुया संयम का आत्मा दिया है, हालेलुया, अपने आप को अनुशासित करने के लिए। क्या आप एक वचन के अनुसार अनुशासित जीवन बिताना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो सामर्थ का आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो प्रेम का आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो परमेश्वर ने हमें संयम का यानी स्वयं को अनुशासित करने के लिए आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक सामर्थी जीवन बिता सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हालेलुया हम एक अच्छे पति बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक अच्छे भाई बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक अच्छी बहन बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम अच्छे माता पिता बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हालेलुया हम एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से ये हो सकता है कि हम अपने आप को अनुशासित करें, अपने मनों को अनुशासित करें, अपने चाल चलन को अनुशासित करें। पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्षमा कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है, हालेलुया। ओ जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें जोर से, ओ ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन क्या करना है,
ये एक वचन के ऊपर पूरा मैंने आपको प्रचार बता दिया कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है और क्यों दिया है, सामर्थ्य जीवन जीने के लिए, सामर्थ का आत्मा, ओ आज्ञाओं को मानने के लिए, आशीषित होने के लिए, भरपूरी का जीवन बिताने के लिए, चंगे होने के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेम का आत्मा दिया है ताकि वो प्रेम आए और आज्ञाओं को हम पूरा करें। परमेश्वर ने हमें वो सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा दिया है ताकि हम अपने आप को अनुशासित करें, संयम हमारे अंदर आए, हालेलुया, ताकि हम एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को भाता है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु जानता है तुम अपने आप नहीं कर सकते, मैं अपने आप नहीं कर सकता, हालेलुया, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा हो सकता है, उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। जब शादी पड़ी जाती है तो दूल्हे से और दुल्हन से यही बुलवाया जाता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूंगा, और क्या कहता है दूल्हा पता है शादी के समय, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करूंगा, हालेलुया, क्योंकि जब परमेश्वर मेरी सहायता करेगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, हालेलुया, जब परमेश्वर मेरी मदद करेगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, हालेलुया, यही हमारा जीवन है मेरे प्रियो, यही हमारा जीवन है, हालेलुया, 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 इस वचन पर आधारित हम एक नए गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। जहां कहीं आप जाते हो, प्रार्थना सभाओं में, किसी के घर पर, जहां कहीं आप घर में पारिवारिक प्रार्थना करते हो, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, अगर आप इस गीत को गाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हालेलुया, ओ हालेलुया, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे, अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, अपने घर को बदलते हुए देखेंगे, अपने परिवारों को बदलते हुए देखेंगे, हालेलुया, ओ हालेलुया, अपने क्षेत्र को बदलते हुए देखेंगे, अपने देश को बदलते हुए देखेंगे, हालेलुया। हर फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में हम नए गीत को गाकर प्रभु की आराधना करते हैं, और हम आज भी एक नए गीत को गाकर और हमेशा हर फ्राइडे नए गीत को गाकर ही रैप्चर तक हम प्रभु की आराधना नए गीत को गाकर करेंगे हर फ्राइडे को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमने जान लिया है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है, उसके द्वारा क्या हो सकता है, तो आज क्या है कलीसिया, आज क्या है मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारा निर्णय लेने का समय, आज हमें कहना है जीवन बदल दे पवित्र आत्मा, मैं तेरी सहायता को मांगता हूं, मैं तेरे नियंत्रण को मांगता हूं, मैं बुद्धि को मांगता हूं, मैं ज्ञान को मांगता हूं, मैं समझ को मांगता हूं, मैं सामर्थ को मांगता हूं, आज मांगे परमेश्वर से, वो आपके अंदर है, हालेलुया, सामर्थ का आत्मा आपके अंदर है, प्रेम का आत्मा आपके अंदर है, और संयम का आत्मा आपके अंदर है, हालेलुया, आज आग उतरेगी, आग 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 उतरेगी, मैं बता रहा हूं आज, आज ऐसी आग उतरेगी आज कि हर एक नकारात्मक चीज आज पवित्र आत्मा की आग के द्वारा भस्म हो जाएगी, हालेलुया, आज ऐसी आग उतरेगी आपके घरों के ऊपर, आज ऐसी आग उतरेगी आपके ऊपर, आज ऐसी आग उतरेगी आपके परिवार के लोगों के ऊपर, अगर विश्वास के साथ आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हर एक नकारात्मक सोच, नकारात्मक आदत, नकारात्मक विचार, हर एक नकारात्मक स्पिरिट, हर एक नकारात्मक हैबिट, हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस, हर एक क्षमाहीनता, करवाहट, बदले की भावना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, हर एक जलजलाहट, हर एक नेगेटिव चीज जो वचन के अनुसार नहीं है, आज पवित्र आत्मा की ऐसी आग उतरेगी, आज ऐसी आंधी आएगी कि हर एक वो चीज जलकर भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे आत्मा की जरूरत है, तूने मुझे दिया है, आज विश्वास करना है कि वो हमारे अंदर है, आज विश्वास के साथ उसको क्लेम करना है, आज विश्वास के साथ परमेश्वर के सामर्थ को रिसीव करना है, हालेलुया, हालेलुया, आइए।